स्वागत है आप सभी का इंडेक्स प्ले टीवी पे। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म देखने जा रहे हैं जो कि साउथ कोरियन है और लास्ट ईयर ही रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम जंग से मिलते हैं जो एक मैथ का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होता है। आज ही अपनी बड़ी दीदी के साथ जिसका नाम बू होता है स्कूल आया हुआ अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। यहाँ से ये रिपोर्ट कार्ड और ट्रॉफी भी जीतता है और घर जाते हुए ट्रेन में सब लोग जंग को चेयर अप कर रहे होते हैं क्योंकि सारे जो लोग इसके विलेज के ही होते हैं क्योंकि जंग फर्स्ट आया होता है मैथ में। ट्रेन रुक जाती है, सभी उतर कर एक टनल से होते हुए पटरी को क्रॉस करते हुए अपने विलेज की तरफ जाने लग जाते हैं क्योंकि इनके विलेज में स्टेशन नहीं होता है तो इनको एक स्टेशन पहले ही उतरना पड़ता है, फिर पटरी से होते हुए पैदल चलकर अपने विलेज में जाना पड़ता है जो कि काफी मुश्किल का काम होता है। अब जाते हुए टनल से बाहर आते हैं तभी इन्हें आवाज़ आने लग जाती है और वो ट्रेन की आवाज़ होती है जो इनकी तरफ ही आ रही होती है। अभी जैसे तैसे करके लोग साइड होकर अपनी जान तो बचा लेते हैं ट्रेन से और फिर हम इसके बाद देखते हैं 6 साल बाद का सीन जहाँ पर जंग अब बड़ा हो गया होता है और स्कूल में आ गया है। आज जंग प्रेसिडेंट को 54th लेटर लिख रहा होता है। ये प्रेसिडेंट से किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज हमारे विलेज में एक रेल स्टेशन बना दो। अब यहाँ सुबह सुबह ये रेडी होता है और स्कूल जा रहा होता है क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे होता है। इसकी बहन बू भी इसके साथ ही होती है। 3 टनल को 3 पुल को पार करके ये नियरेस्ट स्टेशन पर पहुंचता है और फिर ट्रेन आती है, ट्रेन में बैठता है और जो ट्रेन चलाने वाले होते हैं वो इसके पिता होते हैं। इसके फादर कभी कभी बाई चांस घर आ जाया करते हैं वरना ये हमेशा बाहर ही रहते हैं काम में बिजी। ट्रेन में जंग के फादर के जो साथी होते हैं वो जंग को बधाई देते हैं कि तुम अब हाई स्कूल स्टूडेंट बन चुके हो और ट्रेन से उतर कर बू के साथ ही साइकिल चलाकर बहुत देर में स्कूल पहुंचता है। इसीलिए जंग चाहता है कि हमारे विलेज में एक स्टेशन बन जाए ताकि सेफ्टी भी रहे और काम भी जल्दी हो सके आने जाने का। इतनी देर से आने पर ये मतलब लेट हो गया होता है स्कूल के लिए तो ये क्लास में पीछे जाकर लाइन में लग जाता है और अपनी साइकिल को भी वहीं खड़ी कर देता है। क्लासमेट होती है इसकी एक राई जो कि बहुत ही रिच लड़की होती है। ये देखती है और कहती है कितना अजीब लड़का है, कैसी गंवारों जैसी हरकत कर रहा है। आज स्कूल में सेरेमनी होती है क्योंकि आज एक नया बैच शुरू होने जा रहा था क्योंकि आज पहला दिन होता है ना, तो यहाँ पर ये सबकी फोटोज वोटोज क्लिक करते हैं। जंग भी अपनी बहन बू के साथ फोटो क्लिक करवा रहा होता है बट कैमरामैन कहता है कि तुमने फूल को टेढ़ा क्यों पकड़ा है, सीधा पकड़ो अपने पास। बट जंग ने फूल को अपनी बहन के हाथ में दिया होता है, ये कहता है कि नहीं मैं ऐसे ही पकड़ के खिंचवाऊंगा। और अगले सीन में हम रेलवे ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर जंग के फादर होते हैं बैठे बातें कर रहे होते हैं। यहां पर न्यू स्टेशन बनाने की बात चल रही होती है पर इनका कहना है कि विलेज में बहुत ही कम लोग सफर करते हैं तो मतलब कम लोगों के लिए एक स्टेशन बनवाना लॉस का सौदा हो सकता है, मतलब नुकसान होगा ना, लोगों का तो बनवाते नहीं है। अब जंग के फादर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बस ट्रेन चलाते हैं और कहा जाता है कि देखो सिटी जाने के लिए उन्हें नियरेस्ट स्टेशन पर जाना ही पड़ेगा। और अगले दिन जंग फिर से स्कूल में लेट आता है बट आज एग्जाम होता है, जल्दी से एग्जाम में बैठता है, करने लग जाता है। टीचर नोटिस करते हैं तो पता चलता है कि जंग एक जीनियस है। क्लास के बाद राई सीट कलेक्ट कर रही होती है और देखती है कि जंग ने गलत जगह पर लिख दिया होता है तो इसको ये सही करने को बोलती है और ये करता भी है। और राई अब इसके लिए पता नहीं क्यों अट्रैक्ट होने लग गई होती है, अपनी फ्रेंड को भी बताती है इसके बारे में। इसका मानना है कि जंग अजीब लड़का है पर एक जीनियस है। और उसी दिन से राई जंग का पीछा करती है, घूमती है और उससे जानना चाहती है कि मतलब क्या है ये। स्कूल के बाद ये जंग को लेटर डालते हुए देख लेती है पोस्ट बॉक्स में तो इसको लगता है किसी की गर्लफ्रेंड होगी जिसको ये लेटर भेज रहा होगा। अब इसे होने लग जाती है अंदर मतलब खुराफात की मतलब उसने क्या लिखा था उसमें। तो ये जंग का बैग चेक करती है और उसको आज एक लेटर मिल भी जाता है और ये पढ़ती है। ये लेटर प्रेसिडेंट को लिखा गया होता है कि प्लीज हमारे विलेज में एक स्टेशन बनवा दो। जंग जल्दी से आकर लेटर को छीन लेता है और घर आता है तो इसके फादर आए हुए होते हैं। आज दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और अगले दिन स्कूल जाते हुए इसे राही मिलती है, सॉरी कहती है कल बैग को चेक करके लेटर को पढ़ने के लिए और इसे कहती है कि देखो यार तुमने लेटर जो है वो ठीक से नहीं लिखा था, तुम सही से लिखोगे तभी प्रेसिडेंट तक वो पहुंच पाएगा। राही को पता होता है कि एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है क्योंकि इसका जो फादर है वो काउंसिल के मेंबर होते हैं। जंग इसकी बात मानता है और इसे लेटर लिखना सिखाने लग जाती है ये। उसी दिन से दोनों क्लोज आने लगते हैं, काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और एक दिन अच्छा सा लेटर लिखकर प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। और राही आज इसे अपने साथ हैंग आउट करने के लिए बुलाती है पर जंग मना करता है, कहता है कि मुझे जाना होगा वरना जो विलेजर्स हैं मेरे गाँव के वो मेरा इंतजार करते रहेंगे वहां पर क्योंकि जो ये है यही उन लोगों को रोड क्रॉस करवा के उनके विलेज तक लेकर जाता है जब वो काम धाम से वापस आ रहे होते हैं। राही कहती है कि क्यों ना हम एक सिग्नल मार्क बना दे जिससे विलेजर्स को ये पता चल जाए कि ट्रेन आ रही हो तो उन्हें रुकना है और ट्रेन चली जाएगी तो वो लोग उसको क्रॉस कर सकते हैं, इस वजह से विलेजर्स को तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो जंग को ये आइडिया काफी पसंद आता है, वो घर आकर ट्रेन मार्क के लिए एक सिग्नल बनाता है ताकि एक्सीडेंट ना हो किसी का। ये डिवाइस बनाता है कि जब ट्रेन आएगी तो वाइब्रेट होगी पटरियां जिसकी वजह से इसमें एक लाइट जल जाएगी और विलेजर्स को रुकना होगा
कि हाँ ट्रेन आ रही है सामने से, और ये बनाकर विलेजर्स को दिखाता है। सब बहुत खुश होते हैं और यहाँ से जंग हमें लाइब्रेरी में दिखता है, राही के साथ फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं जोनो, और जंग बताता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है और मेरा ये बचपन का सपना है। राही इसे बहुत सी बुक्स देती है और जंग इसे पढ़ता भी है। बू रात को आकर अपने भाई से बुक छीन लेती है और इस देखती है कि मेरा भाई जो है वो किसी लड़की के साथ है, मतलब तो काफी खुश होती है। और इसी दिन से दोनों जो है टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। राही इसको एक दिन अपने घर ले जाकर अडल्ट मूवीज भी दिखाती है और दोनों यहाँ पर ऑलमोस्ट किस करने ही वाले होते हैं, बट नहीं हो पाता है। और अगले दिन जंग को प्रिंसिपल बुला लेते हैं ऑफिस में। यहाँ पर राही अपने फादर के साथ बैठी हुई है, जंग ये देखकर कांप जाता है, सॉरी बोलने लग जाता है, उसके पैर कांप जाते हैं कि हो सकता है राही के फादर ने इसको देख लिया था कि ये लौंडा मेरी बेटी के साथ किस करने आया हुआ था वहां पर। अब यहाँ पर डरा हुआ काफी सॉरी बोल रहा है, बट राही के फादर कहते हैं कि जंग क्या तू मेरे साथ सोल चलोगे, क्योंकि राही भी वहीं पर स्कूल में जा रही है पढ़ने के लिए। जंग को समझ नहीं आ रहा होता कि हाँ बोलेगी नहीं। बू कहती है कि तुम्हें हाँ बोल देना चाहिए, पर जंग सोल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको अपने गांव वालों की फिक्र होती है, उसको स्टेशन भी बनवाना होता है। और अगले दिन इसी के बारे में अपने पिता से बात करने जाता है, बट इसके पिता के पास इसके लिए जरा सा भी टाइम नहीं होता है। जब ये स्कूल से घर आता है शाम को तो पता चलता है कि जो इसका सिग्नल वाला था वो खराब हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे गांव वाले पुल से नीचे गिर गए, बहुत सारे की मौत हो गई होती है। जंग को बहुत बुरा लगता है और यहीं से हमें एक सीन दिखाया जाता है जब जंग वो ट्रॉफी लेकर जब ये फर्स्ट आया था फिल्म के शुरू में घर आ रहा था, उसके बाद क्या होता जब ये ट्रैक को पार कर रहे थे तभी पीछे से ट्रेन आ गई थी। अब ट्रेन से बचने के लिए ये लोग वहीं पर साइड में जाकर खड़े हो गए थे, तभी इसकी ट्रॉफी इसके हाथ से गलती से छूटकर गिर रही थी। अब इसकी बहन बू उसको पकड़ने के लिए जाती है बट वो भी पानी में गिर जाती है। उसको कई दिनों तक ढूंढा गया पानी के अंदर बट वो नहीं मिली आज तक, क्योंकि वो उसी दिन मर गई थी। अब जिसे हम लोग मूवी के शुरू से देखते आ रहे जो कि जंग के साथ साथ घूमती रहती है, वो इसकी इमेजिनेशन होती है ना कि इसकी बहन होती है। जस्ट ये सोचता है कि वो मेरे साथ है बट वो तो बचपन में ही मर गई थी। तभी मूवी के शुरू में हमने देखा था कैमरा मैन इसको कह रहा था कि फूल को सीधा पकड़ो, टेढ़ा क्यों पकड़ा है, क्योंकि इसको लग रहा था इसने अपनी बहन को फूल पकड़ा रखा, बट कैमरा मैन को तो खाली यही दिखाई पड़ रहा होता है ना वहां पर। बट जो सोल होता है ना बू का, ये अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है तो इसलिए ये इसके साथ ही है अभी तक। अब इस हादसे के बाद जंग के फादर ने जंग को यहाँ से ले जाने की काफी कोशिश की, पर जंग ने अपने घर को और अपनी बहन के घोष्ट को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता था कि मेरी बहन का घोष्ट है यहाँ पर, इसलिए अभी तक वहां पे वो रह रहा है। और इसकी बहन की मौत हो गई थी ना, इस वजह से ये चाहता है कि गांव में एक स्टेशन बन जाए। पर एक और गिल्ट ये होता है कि इसकी वजह से लोगों की जान चली गई है, तो अब ये और ठान लेता है कि मैं स्टेशन बनवा कर ही रहूंगा। फिर अगले सीन में हम कुछ गांव वालों को बातें करते हुए देखते हैं, जंग के फादर भी है यहाँ पर, ये बता रहे होते हैं कि सब कि हमारे जो विलेज में स्टेशन बनाने के लिए प्रेसिडेंट तैयार हो गए हैं पर बजट की कमी है, बनने आने वाले लोग नहीं आ पाएंगे। तो जंग कहता है कि हम सबको ही मिलकर ये काम करना चाहिए और खुद से स्टेशन बनाने लग जाता है अगले दिन से, बट अकेला कितना काम करेगा ये, और लग गया है काम के ऊपर। बट कुछ जो विलेजर्स होते हैं इसको देखते हैं, इसके पास आते हैं और मेहनत करते हैं और कई दिन ऐसे बीत जाते हैं और फाइनली ये लोग एक स्टेशन बना लेते हैं। इस स्टेशन का नाम यंगमोन रखा जाता है और जंग ने स्टेशन बनाया है तो मीडिया वाले इसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारे स्टेशन बनाने पे। जंग जब स्कूल आता है तो इसके टीचर इसको एक स्कॉलरशिप देते हैं जो कि यूएस से आया होता है इसके लिए, नासा स्पेस एजेंसी वालों ने भेजा है, और आज होने वाला है स्टेशन का उद्घाटन। सब रेडी है क्योंकि आज पहली बार ट्रेन आकर इस स्टेशन पर रुकने वाली है, कैमरा वैमरा सब तैयार है। ट्रेन आती तो है और इसको चला रहे होते हैं जंग के फादर ही, बट वो ट्रेन यहाँ पर रोकते नहीं है क्योंकि इनको यहाँ रोकने का ऑर्डर नहीं मिला होता है। जंग बहुत दुखी होता है कि बनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ जबकि ट्रेन यहाँ पर रुकी नहीं रही होती है। अपनी बहन के साथ भी ये बहस करने लग जाता है। और अगले दिन जंग के टीचर इसके फादर को बताते हैं कि आपके बेटे को यूएस से स्कॉलरशिप मिली है तो उसको एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा कल। तो जंग के फादर को फील होता है कि यार वो गलत कर रहे हैं अपने बेटे के साथ, इसलिए आज वो पहली बार रात को 10 मिनट के लिए उस न्यू स्टेशन पर ट्रेन को रोकते हैं, घर पे भाग कर जाते हैं, अपने बेटे को जगाते हैं कि तुम्हें चलना होगा। जंग अपनी घोष्ट सिस्टर को बाय बाय कहता है और चल देता है। यहाँ से अगले स्टेशन पर आकर रुकते हैं टीचर बाहर कार लेकर खड़े होते हैं जो कि इसको सोल लेकर जाएंगे। इसके फादर कहते हैं कि मैं चलाऊंगा कार को और ये कार चलाकर अपने बेटे को अगली सुबह तक सोल पहुंचा देते हैं। यहाँ पर एग्जाम भी होता है और कुछ दिन बाद एक पोस्टमैन आता है रिजल्ट लेकर, जिससे पता चलता है कि ये पास हो गया है। अब अपनी घोष्ट बहन से भी ये बताता है सारी चीजें। इसके फादर इसे आकर माफी मांगने लग जाते हैं, इसे हमेशा इग्नोर करने के लिए बताते हैं कि मैं हमेशा काम में बिजी रहता था, तुम्हारी मॉम जब प्रेग्नेंट थी तब भी मैं उन्हें छोड़कर काम के लिए चला गया था और उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और जब उनकी मौत हो गई थी, और उस दिन जब तुम्हारी बहन की मौत हुई तो वो जो ट्रेन थी ना वो मैं ही चला रहा था उस दिन। अब ये सब सुनकर जंग रोने लग जाता है और उन्हें माफ़ कर देता है ये। और फिल्म के एंड में हम देखते हैं सभी को यंगमोन स्टेशन पर फोटो क्लिक करवाते हुए। जंग ने आज सूट पहना होता है, शायद स्टडी के लिए यूएस जा रहा होता है।
अब यहाँ पर जाते हुए इसकी जो घोस्ट सिस्टर होती है वो इसको मिलती है, वो बहुत खुश होती है कि मेरा भाई अपने सपने को पूरे करने के लिए जा रहा है। और जब ये एयरपोर्ट पर आता है तो इसको राही मिलती है, इसे गुड बाय कहने आई हुई है और कहती है कि मुझे भूलना मत वरना जान से मार दूंगी। ऐसी लड़की को कौन भूल सकता है, कभी नहीं। और दोनों किस करते हैं, फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिल्म आपको कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे ऐसी वीडियोस के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।